देहरादून से अगली बड़ी खबर है, गैरसैंण को लेकर कांग्रेस अब उपवास करेगी। 9 दिसंबर को कांग्रेस का ये उपवास होना है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता गैरसैंण में एक दिन का उपवास करेंगे। गैरसैंण में सत्र आयोजित न करने पर सरकार को घेरने की तैयारी है। तो देखिए, गैरसैंण हमेशा से उत्तराखंड की राजनीति में एक मुद्दा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, लेकिन इस मुद्दे को अभी कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है कि सिर्फ खानापूर्ति की है बीजेपी ने। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर कोई विकास नहीं किया है, वहां पर सत्र का आयोजन नहीं किया है और इन्हीं तमाम मुद्दों को आधार बनाकर अब कांग्रेस जो है सियासत में आगे बढ़ना चाहती है और अब एक दिन का उपवास किया जाएगा गैरसैंण को लेकर।